Hello student, this is Gurpal Singh and you are watching my YouTube channel Gurpal Commerce. Yesterday we have discussed about the cardinal utility analysis, and now today in this video we are going to discuss about the ordinal utility analysis and indifference curve. तो वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा आने वाले अपडेट्स के लिए, ठीक है, जिससे सबसे जल्द सबसे पहले आपको मिले. ओके, चलते हैं पॉइंट पे. पॉइंट है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. देखिए, हम इन आर डेली लाइफ वी कैन नॉट एक्सप्रेस एवरी यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. मतलब हम अपनी डेली लाइफ में हर एक चीज़ को नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते. यार हम खेल के आए, बहुत खुश हैं, हमने रेस लगाई, हम बहुत हैप्पी हैं, पापा के पैर दबाए, बहुत हैप्पी हैं, तो इन सब चीज़ों को जैसे हम लोग नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, पापा ने डांट दिया, परेशान हो गए, और कई बार क्या होता है, डांट पड़ती है तो हम खुश भी रहते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, रैंक्स में डिवाइड हो जाती हैं. कम को हैप्पी हुए, मैच खेला, किसी एक ने मैच जीत लिया उसकी रैंक 1 आ गई, जिसने हार गया उसकी रैंक 2 आ गई. ठीक है, और जो कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब आउट एंट्री ले पर कुछ खेल ही नहीं पाया, ठीक है, 3 टीमें थी तो वो 3rd नंबर पे आ जाएगा. ठीक है, 2 से हार गया. तो इसलिए जिस जहाँ पे भी रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनालिसिस होती है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, तो अब रैंक के अकॉर्डिंग जब यूटिलिटी होती है ना, तो उसको हम लोगों को ग्राफिकली दिखाना होता है. ठीक है, कि जैसे अब एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि एक कॉम्बिनेशन बनाया हमने 2 कमोडिटीज़ का. जैसे मान लो एक कंज्यूमर है तो वो बनाना भी ख़रीद रहा है और मैंगोज भी ख़रीद रहा है. तो एक कॉम्बिनेशन बना के अगर कस्टमर 1 बनाना ही विल ईट एंड देन If he eat 15 mangoes, तो जितना हैप्पी, जितना सेटिस्फिकेशन उसको एक बनाना खा करके मिलेगा, उतना ही सेटिस्फिकेशन उसको 15 आम यानी कि मैंगो खा करके मिलेगा. तो एक जो कॉम्बिनेशन हो गया, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कमोडिटी विच ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड इंडिफरेंस सेट. मतलब 2 कमोडिटीज़, जो अगला टॉपिक ये इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसी के सब पहले आपको एक चीज़ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक कंज्यूमर है, ठीक है, उसको 2 गुड्स का सेट दे दिया जाए. ठीक है, अब 2 कमोडिटीज़ में उसको सेम लेवल का सेटिस्फिकेशन अगर लेना है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, चाहे वो एक बनाना खाए तब भी उतना है सेटिस्फाई रहेगा, आइदर ही विल ईट 15 मैंगो. सो दोनों कंडीशन में वो सेम है. दूसरी कंडीशन क्या है, अब देखो जैसे जैसे पीपीसी में था ना, एक का प्रोडक्शन बढ़ता दूसरे का कम होता रहता है, इसमें भी वैसे ही. अब अगर उसने बनाना का कंजप्शन बढ़ा दिया, 2 बनानाज उसने खाए तो वो मैंगो का कंजप्शन कम कर देगा, ठीक है, 12 मैंगोज खाएगा तो भी उतना. अब बी कॉम्बिनेशन जो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी बंदा है अगर कस्टमर, तो अगर वो 2 बनाना उसको बेटा खाएगा तब भी उतना ही सेटिस्फाई रहेगा जितना वो 12 मैंगो खा करके. सी का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है अगर कस्टमर कोई भी 3 बनानाज खाता है तो वो 10 मैंगोज खा करके भी उतना ही हैप्पी रहेगा, और डी भी इसी तरह से सेम है. ठीक है, तो एक का कंजप्शन बढ़ाएगा तो दूसरे का क्या होता रहेगा बेटे, कम होता रहेगा. तो वेन एवर वी विल रिप्रेजेंट दिस कॉम्बिनेशन ग्राफिकली, अगर इसी कॉम्बिनेशन को, मतलब अब देखो जब उसने सबसे ज़्यादा कहाँ खुश था, ए वाले पॉइंट पर था ना, जहाँ पे एक बनाना खा रहा था और 15 मैंगो खा रहा था. ठीक है, सबसे कम कहाँ पे है, 4 पे है, जहाँ पे वो क्या कर रहा है देख लीजिए आप, विजिबल है सभी को क्या या नहीं विजिबल है, देखो ज़रा, विजिबल होना तो चाहिए यार. ठीक है, ये देख लीजिए, दिख रहा है सभी को, ये है 4 बनाना खा रहा है और 9 मैंगोज खा रहा है जब, तब वो सबसे कम सेटिस्फाई है. तो ये फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं. ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच जॉइन ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द बंडल विच आर कंसिडर्ड इंडिफरेंस बाय द कंज्यूमर. मतलब अलग अलग सेट जो कंज्यूमर के हैं जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व. ये देखिए, द कंज्यूमर इज सेट टू बी इंडिफरेंट ऑन डिफरेंट बंडल्स बिकॉज ईच पॉइंट ऑफ बंडल गिव द कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी. हर एक बंडल जो है वो कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, मैंने कहा था ना. तो सच अ कर्व जॉइनिंग ऑल पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द बंडल अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व. तो ये जो कर्व अलग अलग कॉम्बिनेशन कस्टमर के दिखा रही है, ठीक है, कि हर लेवल पर वो इतना सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व. तो सिंपली एक बार फिर से समझा देता हूँ, इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व विच शोज द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द कंज्यूमर विच ऑफर्स हिम सेम
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड कर आएगी, हर कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर उतना ही सेटिस्फाई है, बस क्वांटिटी कम ज़्यादा हो रही है। जैसे पहले में देखो, फिर से बताता हूँ, एक पे 12 ले रहा है तो भी उतना सेटिस्फाई है, ठीक है, दो पे 12 खा रहा है, ठीक है, तो उससे थोड़ा कम सेटिस्फाई है, मतलब सेटिस्फिकेशन उसको सेम लेवल का मिलेगा। बट रैंक्स देखिए, टॉप फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। बट कंज्यूमर हर का कॉम्बिनेशन हर एक लेवल पे इंडिफरेंट है। अब उसके बाद में क्या है कि जैसे जैसे एक का कंजप्शन वो बढ़ा रहा है, ठीक है, तो दूसरे का क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर इंडिफरेंस कर्व भी डाउनवर्ड को स्लोप कर रही है, डाउनवर्ड को स्लोप कर रही है। तो जैसे उधर लास्ट में हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेते ना, तो सेम वे में यहाँ पे क्या निकलेगी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगा बेटा। क्या निकलेगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें भी क्या होगा, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट फॉर्मूला है इसका सब, ठीक है। तो फर्स्ट में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो डैश आ जाएगा, सेकंड में हम देखते हैं 2 से 1 पे आया तो 1, और इधर आपका मैंगोज़ का कितना आ गया, 12 में से 3 चाहे 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3:3 हमारा क्या बन जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब जैसे जैसे मैंगो का कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा, बनाना का कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि MRS हर स्टेप पे डिक्लाइन होता रहेगा, ठीक है। तो विद द फॉल ऑफ क्वान्टिटी ऑफ मैंगो द मार्जिनल रेट ड्राइव फ्रॉम मैंगोज इंक्रीजेज, सो दैट इंक्रीज नंबर ऑफ बनानाज कंज्यूमर फील इंक्लिनेशन सेक्रीफाइस स्मॉल अमाउंट ऑफ मैंगोज, ठीक है। तो मैंगो को वो क्या करता जा रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो यही जो टेंडेंसी है जहाँ पे इंक्रीज इन क्वान्टिटी ऑफ बनानास, वो आपका क्या कहेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मीन्स व्हाट इज़ द मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सिचुएशन इन विच द कंज्यूमर सेक्रीफाइज वन कमोडिटी इन फ्रंट ऑफ द अनदर कमोडिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला इज डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, मतलब लॉस ऑफ आउटपुट, मतलब एक कमोडिटी का लॉस हो रहा है, दूसरी का गेन हो रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब आपने देखा होगा कर्व डाउनवर्ड को स्लोप सब कर रही है, ठीक है। अब ये बाहर के लिए निकली हुई है तो क्या है, ये कॉन्वेक्स है, क्या है, कॉन्वेक्स। कॉन्केव में क्या होता है, अंदर के लिए लेंस मुड़ा होता है, तो इसी तरह कर्व भी है, जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ओके। तो वाई दिस इज आउटसाइड, बाहर को स्लोप क्यों कर रही है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, बट यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये क्या हो रहा है, सब कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये कॉन्वेक्स होगी। तो इट इज़ मेंशन दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड इन इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बट इन सेम बींग सब्सटीट्यूट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डज नॉट डिमिनिश, इट रिमेन्स द सेम। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, देखिए कई जगहों पर स्ट्रेट लाइन भी आपकी इंडिफरेंस कर्व आ जाएगी, कब आ जाएगी, जब आपका MRS कॉन्स्टेंट रहेगा। देखो PPC कॉन्केव क्यों थी, ड्यू टू द राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही थी, इसलिए PPC हमारी क्या थी, कॉन्केव थी। अब ये जो है इंडिफरेंस कर्व, ये देख लीजिए आपको कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है इसकी शेप, ठीक है। सब कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होती है, बिकॉज IC में MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इट डिक्लाइंस, ठीक है। ये देखिए डज नॉट डिमिनिश है ना, तो इट इज मेजर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कॉज एन इंडिफरेंस कर्व टू द कॉन्वेक्स टू द। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फिर से वही बता दूं कि डिक्लाइनिंग ऑफ वन कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू राइजिंग इन अनदर कमोडिटी, ठीक है। तो मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल इलास्टिसिटी स्टेट्स दैट इट विल डिक्लाइन एट एवरी एडिशनल कंजप्शन ऑफ वन कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू सेक्रीफाइजिंग ऑफ द अदर कमोडिटी, ठीक है। एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, ठीक है, तो उसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी भी हर स्टेप पे कम होता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ओके। ये देख लीजिए, अब यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो इस सिचुएशन में PPC हमारी, मैंने बोला ना, स्ट्रेट लगकर बन जाएगी, ओके। अगला आता है इंडिफरेंस मैप, बेटा इंडिफरेंस मैप में क्या है, द ग्रुप ऑफ कर्व्स विच ऑफर्स द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन, मैंने रैंक की बात करी थी ना, अब यहाँ पे 4 कर्व है, तो जो टॉप की कर्व है वो हायर लेवल सेटिस्फिकेशन इंडिकेट करेगी इस पे, ठीक है। ये जो बीच की है वो कम सेटिस्फिकेशन करेगी, तो ये हो जाएगा आपका इंडिफरेंस कर्व मैप, ओके, द प्रेफरेंस ऑल ओवर द। अब फीचर्स क्या हैं इंडिफरेंस कर्व के, इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू द, और क्या होती है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड को स्लोप करती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक का कंजप्शन बढ़ता है तो दूसरे का कम होता है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है,
हायर इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी. मैंने कहा ना जो सबसे ऊपर की कर्व है वो हायर लेवल का सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड करेगी और जो नीचे की है वो कम सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड कराएगी. ठीक है, और थर्ड यही है इसका, इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, ये ध्यान में रखिएगा. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट क्यों, क्योंकि कभी भी कस्टमर्स जो है ना वो सेम लेवल का यूटिलिटी की कंजप्शन करके सेम सेटिस्फिकेशन तो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, बट कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हमेशा ये पैरेलल होंगी. ठीक है, डिफरेंस कर्व जो है वो क्या होती है, पैरेलल्स होती हैं, कभी भी दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दिख रहा है सभी को ये कर्व, देख लीजिए, कभी भी पीपीसी कॉनकेव होगी और आईसी कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होगी. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है. ओके, अब नेक्स्ट है आपका बजट. बजट में क्या है, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर, वो आपका बजट सेट हो जाएगा. ठीक है, ये कर्व सारी आपको बनानी है. ओके, टू टिल हेयर यू हैव टू स्टडी. ओके, बजट सेट तक आप तैयार कर लीजिएगा नोट्स, बाकी आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. नोट्स मैंने पीडीएफ ऑलरेडी भेज दिया है सभी को ग्रुप में, यू कैन टेक फ्रॉम देयर. ओके, और अगर किसी को पीडीएफ ना मिला हो तो बाय द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी वेबसाइट आप जा करके चैप्टर 2 का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.